बुरहानपुर में दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक को किया घायल। शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर किया हमला। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में छुटी। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। पवई के रैपुरा में SBI बैंक के कैशियर के साथ बीच सड़क पर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया में मोतीमाला मेला 4 जनवरी से होगा शुरू। मेले में 7 लाख भक्तों के आने की संभावना। पंचायत ने भक्तों के लिए पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाएं की तैयारी की। यूपी में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष बने कविंद्र प्रताप सिंह। 3 महीने पहले IG पद से रिटायर हुए कविंद्र प्रताप सिंह। इटावा में नए वर्ष पर शराब के नशे में धुत युवक की युवती से हुई जमकर मारपीट। बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। थाना सिविल लाइन के जेल रोड का मामला। कबरदा के बोरला चिल्फी घाटी मार्ग पर ऑयल से भरा ट्रक पलटा। ऑयल लीकेज से हुआ हादसा। ट्रक पलटने से हाईवे पर लगा जाम। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे का पूरा मामला। मुख्यमंत्री धामी ने नववर्ष के लिए शुभकामनाएं। CM ने कहा प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं, साथ ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। CM धामी ने किया बालिका आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। CM ने बच्चों को नए साल की बधाई दी। कहा 11 बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करेंगे। राजधानी देहरादून में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जारी। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार देहरादून में हुआ सुधार। विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंगल को बड़ा झटका। विधानसभा स्पीकर ने सचिव सिंगल को 2 रैंक किया रिजर्ट। सिंगल को संयुक्त सचिव रैंक का मिलेगा वेतन। गाजियाबाद में देवर ही निकला भाभी के प्रेमी का हत्यारा। 17 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। भोजपुर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पन्ना में ग्रामीणों ने किन्नर सरकार के चरणों में माथा टेक कर 30 साल की शुरुआत। BJP के अमानगंज के सभी बूथ प्रभारी पहुंचे। 3 तारीख को किसान सम्मेलन के चर्चा की रखी बात। अजवानी भक्तों ने की माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत। मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी लंबी कतारें। सिंधा नेवरा में मंदिर में मिली हनुमान जी की खंडित मूर्ति। मंदिर में तोड़फोड़ करने से धर्म सेना और ग्रामीण आक्रोश। शराबी तत्वों पर पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई करने की मांग। माँ की डांट से नाराज होकर घर से चली गई नाबालिग। नोट लिखकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए बात। पुलिस ने बच्ची को 6 घंटे में किया बरामद। नोएडा के थाना सेक्टर 12 का मामला। अशोकनगर के तहसीलदार पुलिस प्रशासन चंदेरी में कब्जा की गई भूमि मुक्त कराई। भूमि पर 15 साल कब्जा किए हुए थे अतिक्रमणकारी। 10,000 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। स्टंट करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। 1090 चौराहे पर कार से स्टंट करते दिखे युवक। सड़क पर शराब पीते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का मिला शव। तस्वीरें विचलित करने वाली। गाड़ी के टायर से सिर कुचला हुआ। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच की स्थिति। गाजी थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा में नववर्ष पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़गांव जो के अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास का मामला। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का असर शुरू। हल्द्वानी में दिन प्रतिदिन में जोर पकड़ रहा रेलवे प्रकरण। ठंड में भी हुआ करते नजर आए स्थानीय लोग। लखनऊ में मलियाबाद में रोड निर्माण में हुआ खेल। दुर्गागंज से लेकर ईदगाह पुलिया तक सड़क की चौड़ाई कम कर बना दी गई नई सड़क। विधायक ने अधिकारी को फोन पर लगाई पट्टा। हल्द्वानी में बंधूलपुरा को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में कार में लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा हुई मौत। पीठ सिर की हड्डी तक छिल गई। मां ने कहा इतने सारे कपड़े पहने थी फिर नेकेट कैसे मिली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में IED ब्लास्ट। राजौरी हमले में मारे गए लोगों को 10-10 लाख की सहायता देकर प्रशासन LG का ऐलान। श्रीजान की फैमिली बोली तुनिशा को दरगाह नहीं ले गए। बहने बोली परिवार से तुनिशा के रिश्ते ठीक नहीं थे। माँ उससे कंट्रोल करती थी।